मल्चिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है और कितना जरूरी है फार्मिंग के लिए, ये जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो आइए थोड़ा डिटेल में देखें। मल्चिंग पौधों की वृद्धि, विकास और कुशल फसल उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनाने की टेक्निक होती है। मल्च शब्द का अर्थ है मिट्टी को ढकना। पत्ती पाउल, वृत्त पत्तियां और गोबर खाद जैसे प्राकृतिक मल्च का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। पिछले 60 वर्षों के दौरान सिंथेटिक सामग्री यानी कि प्लास्टिक मल्चिंग के आने के बाद मल्चिंग के तरीकों ने किसानों के लाभ को बदल दिया है। प्लास्टिक मल्चिंग मिट्टी से नमी के सीधे वाष्पीकरण को रोकता है और इस प्रकार सतह पर पानी के नुकसान और मिट्टी के कटाव को सीमित करता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मल्चिंग के सब्सिडी से लेकर इसके क्वालिटी और किस फसल के लिए कौन सा मल्च सबसे अच्छा होगा तक। मल्चिंग पर प्रति एकड़ खर्च कितने का होने वाला है, साथ ही साथ मल्चिंग के क्या फायदे हैं और इसे आपको अपने खेतों में क्यों लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसे उपयोग करने की जगह के बारे में। इसका प्रयोग वर्षा आधारित क्षेत्रों में नमी संरक्षण के लिए किया जाता है। ये तकनीक सिंचाई में पानी के प्रयोग को कम करता है जिससे जल का बचाव होता है। ग्रीन हाउस की खेती में ये मिट्टी के तापमान को संयमित रखने में मदद करता है। ये मिट्टी से लगने वाले रोगों के खतरे को भी कम करता है। वर्षा जल से होने वाले नुकसान जैसे मिट्टी के कटाव और मिट्टी की संरचना को बनाए रखने में भी ये मदद करता है। अब जानते हैं मल्च के चुनाव और प्रकार के बारे में। 1960 के दशक में बहुत सारे प्लास्टिक पॉलीमर को मल्चिंग के लिए मूल्यांकन किया गया जिसमें LDPE, HDPE और लचीले PVC सभी का उपयोग किया गया है और यद्यपि उनके बीच कुछ तकनीकी अंतर थे। अब मल्च फिल्म के कुछ मूल गुणों की बात करते हैं। नंबर 1, वायुरोधी, ताकि नमी वाष्प को बाहर न निकलने दिया जाए। नंबर 2, तापमान के संरक्षण और वाष्पीकरण की रोकथाम के लिए थर्मल प्रूफ। और नंबर 3, कम से कम एक फसल एक सीजन के लिए टिकाऊ होता है। अब जानते हैं प्लास्टिक फिल्म के मापदंडों का महत्व क्या है। मोटाई, आमतौर पर फिल्म की मोटाई मल्चिंग प्रभाव को प्रभावित नहीं करती है सिवाय इसके कि जब इसका प्रयोग सोलराइजेशन के लिए किया जाता है। लेकिन हाल के कुछ संदर्भ फसल की पैदावार पर फिल्म की मोटाई के प्रभाव का संकेत देते हैं। क्योंकि इसे वजन के हिसाब से बेचा जाता है इसलिए जितना संभव हो उतना पतली फिल्म का उपयोग करना फायदेमंद होता है। लेकिन साथ ही फिल्म की लंबी उम्र पर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले उपयोग की जाने वाली मल्च फिल्म 60 से 75 माइक्रोन जितनी मोटाई की होती थी और आज फिल्म एक्सट्रूजन तकनीक के आगमन के कारण 15 माइक्रोन मोटी फिल्म बनाना संभव है। ये फिल्में यांत्रिक रूप से कमजोर हैं, जैसा कि तनाव खींचने पर उनके आसानी से फटने से पता चलता है। चौड़ाई, ये पंक्ति की चौड़ाई पर निर्भर करता है। सामान्यतः 1 से 1.5 मीटर चौड़ाई वाली फिल्म का विभिन्न परिस्थितियों में आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। मल्च का कलर, मल्च में प्रयोग किया गया अलग अलग रंग का प्लास्टिक फिल्म मिट्टी का तापमान, पौधों के चारों ओर हवा का तापमान और मिट्टी की लवणता पानी की कम मात्रा के उपयोग के कारण पानी के वाष्पीकरण को रोकता है और पारदर्शी फिल्म मिट्टी की सतह पर अधिक नमक जमा करती है। वहीं काली फिल्म पानी की गति को रोकती है और नमक की ऊपर आने की गति को कम करती है। अब बात करेंगे खरपतवार वनस्पति के नियंत्रण की, तो इसमें काली फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है और कीट नियंत्रण के लिए अपारदर्शी सफेद फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं मल्च के चयन की तरफ। मल्च का चयन मौसम और जरूरत के हिसाब से करना सही होता है, जैसे वर्षा ऋतु में छिद्रित मल्च, बाग और वृक्ष रोपण के लिए मोटी मल्च, सॉइल सोलराइजेशन के लिए पतली पारदर्शी फिल्म और सोलराइजेशन के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण के लिए पारदर्शी फिल्म। खेती के भूमि पर खरपतवार नियंत्रण के लिए काली फिल्म लगाई जाती है। रेतीली मिट्टी के लिए काली फिल्म और खारे पानी के उपयोग के लिए भी काली फिल्म इस्तेमाल होती है। ग्रीष्मकालीन फसली भूमि के लिए सफेद फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है और कीट विकर्षक के लिए सिल्वर रंग की फिल्म और प्रारंभिक अंकुरण के लिए पतली फिल्म का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन मल्च बिछाने की टेक्निक क्या होती है, चलिए बताते हैं। मल्च को ऐसे समय पर बिछाएं जब हवा ना चल रही हो। बिछाने में ध्यान रहे कि कहीं ये मुड़ तो नहीं रहा है या इसमें सिलवटें तो नहीं आ रही है। मल्च के बॉर्डर को मिट्टी के अंदर लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर गहराई में छोटे कांचों में 45 डिग्री के एंगल पर बांधा जाना चाहिए।
रोपण से पहले के मल्च की अब बात करते हैं। मल्च को फसल के अंतर के अनुसार आवश्यक दूरी पर छोड़कर सॉइल बेड पर बिछा देना चाहिए। बीजों और पौधों को गड्ढों में बोया या रोपा जाना चाहिए। अब आते हैं सब्जियों और निकट स्थान वाली फसल के लिए मल्चिंग की टेक्निक पर। सब्जियों जैसी छोटी अवधि की फसलों के लिए बहुत पतली फिल्म का उपयोग किया जाता है। फसल की एक पंक्ति के लिए फिल्म की आवश्यक लंबाई ली जाती है और फिल्म की लंबाई के साथ साथ हर एक मीटर पर थाना रूप में मोड़ दी जाती है। फिल्म के केंद्र में एक 5 इंच या बड़े व्यास वाले पाइप का उपयोग करके गोल छेद बनाए जाते हैं और एक हथौड़ा या गर्म पाइप के सिरे का उपयोग किया जाता है। अच्छा, मल्च फिल्म का एक सिरा मिट्टी में लगा दिया जाता है और फिल्म को रोपण की पंक्ति की लंबाई के साथ खोल दिया जाता है। मिट्टी को अच्छी तरह से जोतें और मल्चिंग से पहले आवश्यक मात्रा में FYM और उर्वरक डालें। मिट्टी को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए मल्च फिल्म को सभी तरफ से मिट्टी में डाला जाता है। बीज सीधे मल्च फिल्म पर बने छिद्रों के माध्यम से बोए जाते हैं। रोपाई की गई फसलों के मामले में पौधों को सीधे गड्ढे में लगाया जा सकता है। अब जानते हैं कि मल्च बिछाने के लिए सावधानियां कौन सी होती हैं। फिल्म को बहुत कसकर ना खींचे। तापमान और सांस्कृतिक संचालना के प्रभावों के कारण होने वाले विस्तार और सिकुड़न की स्थिति पर काबू पाने के लिए ये पर्याप्त ढीला होना चाहिए। काली फिल्म के लिए ढीलापन अधिक होना चाहिए क्योंकि इस रंग में विस्तार सिकुड़े सबसे अधिक होती हैं। फिल्म को दिन के सबसे गर्म समय पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस समय फिल्म विस्तारित यानी कि फैल सकता है। चलिए बात करें मल्चिंग के अंतर्गत सिंचाई पद्धतियों की। ड्रिप सिंचाई में पार्श्व पाइप लाइनों को मल्च फिल्म के नीचे बिछाया जाता है। यदि अंतर खेती करने की आवश्यकता है तो मल्च फिल्म के शीर्ष पर पार्श्व और ड्रिपर्स रखना बेहतर होता है और एक छोटे पाइप के माध्यम से या मल्च फिल्म पर बने छेद के माध्यम से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना बेहतर होता है। बाढ़ में सिंचाई का पानी मल्च पर अर्धवृत्ताकार छिद्रों से होकर गुजरता है। मल्चिंग में लगने वाली लागत कितनी होती है ये भी जानना जरूरी है, करेक्ट? चलिए जानते हैं। काली LLDPE की सिंथेटिक फिल्म की कीमत ₹120 प्रति किलोग्राम होती है। माना जाता है कि PVC फिल्म केवल 2 सीजन तक चलती है। हालांकि व्यवहार में काली PVC फिल्म 2 सीजन से अधिक समय तक चल सकती है अगर ठीक से संभाला जाए तो। उस स्थिति में बचत भी बड़ी हो सकती है। 50 माइक्रोन फिल्म ऑफ 1 kg कवर 22 square meters यानी कि 50 माइक्रोन फिल्म की 2 मीटर की चौड़ाई वाली 11 मिलीमीटर की लंबाई वाली फिल्म का वजन लगभग 1 किलो का होता है। प्रति एकड़ मल्चिंग का खर्च लगभग ₹8,000 का होता है जो कि सरकारी मानक है। प्लास्टिक मल्चिंग के फायदे क्या क्या होते हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? तो चलिए जानते हैं। ये पानी के लिए पूरी तरह से अभेद्य है। ये मिट्टी से नमी के सीधे वाष्पीकरण को रोकता है और इस प्रकार पानी के हानि को सीमित करता है और नमी को संरक्षित करता है, वाष्पीकरण को रोकता है और लावण युक्त जल को बढ़ने से रोकता है। ये मल्च उर्वरक लगाने की सुविधा प्रदान कर सकता है और लीचिंग के माध्यम से पौधों के पोषक तत्वों के नुकसान को भी कम कर सकता है। मल्च मिट्टी के रोग जनकों के लिए एक बाधा भी प्रदान करता है। अपारदर्शी गीली घास वार्षिक खरपतवारों के अंकुरण को प्रकाश प्राप्त करने से रोकता भी है और परावर्तक मल्च कुछ कीड़ों को दूर भी भगाता है। मल्च रात के समय भी गर्म तापमान बनाए रखता है जिससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और युवा पौधों के लिए तेजी से एक मजबूत जड़ विकास प्रणाली स्थापित होती है। सिंथेटिक मल्च मृदा सोरीकरण प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मल्च में शीट के नीचे एक माइक्रोक्लाइमेटिक विकसित होता है जिसमें माइक्रोबियल गतिविधि के उच्च स्तर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। मल्च के तहत फसल अवधि के दौरान मिट्टी की संरचना बनी रहती है। शीघ्र अनुकरण लगभग 2 से 3 दिन यानी कि समय से 2 से 3 दिन पहले होती है और मूंगफली जैसी फसलों में बेहतर गांठें लगती हैं। क्योंकि मिट्टी बारिश की बूंदों के प्रभाव से पूरी तरह से ढकी हुई है इसलिए पानी का कटाव पूरी तरह से रुक जाता है। जैविक मल्च की तुलना में ये लंबी अवधि तक काम करता है। चलिए अब बात करते हैं सब्सिडीज की। भाई सब्सिडीज कोई है भी या नहीं?
प्रति एकड़ मल्चिंग के खर्च का 50% भारत सरकार आपको सब्सिडी के रूप में देती है। प्रति एकड़ मल्चिंग पर खर्च 8,000 रुपए रखा गया है, जो कि सरकार की तरफ से अधिकतम मूल्य है। ये 50% यानी कि 4,000 रुपए आपको सरकार की तरफ से प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस पर लाइक या इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इस पर कमेंट भी कीजिएगा। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फ्रीडम ऐप को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैप्पी फार्मिंग।